भ्राता, ये गणेश जी क्या कर रहे हैं? ध्यान से देखिए देवी अहिल्या, ये भी भक्ति भाव से भरी कोई लीला ही है। अच्छा स्वामी, इतने विशेष भक्त कौन थे? वही जिन्होंने आगे चलकर श्री गणेश की सभी लीलाओं पर ग्रंथ मुद्गल पुराण रचा, और उनकी भक्ति इतनी अनुपम अनूठी भक्ति थी कि श्री गणेश ने भक्त के लिए स्वयं को सिंदूर में रंग लिया था। और अब ऐसे अद्भुत भक्त का भगवान से मिलने का समय समीप था। गणेश, आपका ये नृत्य तो अत्यंत मनमोहक है। प्रभु ने मुझे बुलाया है, मैं आया प्रभु। अब मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। मैं निहाल हो गया प्रभु। अब होगा भक्त और भगवान का मिलन। स्वर्ण भी तप कर ही निखरता है। गणेश में गुण तो है जो एक ही दंत के बाद उजागर हो रहे हैं। देखिए सभी, हमारा गणेश कितना शांत, सौम्य और एकाग्र हो गया है। प्रत्येक माँ को अपनी संतान की नटखट लीलाएं बहुत भाती है, किंतु वो उसे शांत और सुशील भी देखना चाहती है। किंतु मुझे तो मेरे गणेश के दोनों रूप ही अत्यंत प्यारे लगते हैं। प्रभु, भक्ति भाव के उत्साह में इतना खो गया कि सोचे ही नहीं कि आना कहाँ है। संकेत दिया है प्रभु, तो कृपया करके मार्गदर्शन भी दीजिए। देखिए माता, गणेश ने फिर से अपनी नटखट लीला दिखा दी। इस प्रकार पवित्र सिंदूर को उड़ाना उचित नहीं। आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। नहीं पुत्र, पवित्र है ये सिंदूर, इसे इस प्रकार उड़ाकर इसका अपमान नहीं करते। इसे तो मस्तक पर लगाया जाता है क्योंकि इसका एक विशेष महत्व है। ओ अच्छा माता, उसी प्रकार ना माता, जैसे आपने और माता अहिल्या ने अपने मस्तक पर सिंदूर लगाया हुआ है। हाँ पुत्र, शुभता का, स्त्री के सुहाग का प्रतीक है सिंदूर। जो सिंदूर प्रकृति की देन हो, मांग या मस्तक पर लगाया जाए, वो औषधि बनकर
मन को शांत और स्थिर करता है। हम तो तुम्हें सदा शांत और सुशील ही देखना चाहते हैं। क्योंकि जब मेरे पुत्र गणेश का नटखट स्वभाव उजागर होता है तो वो सभी की अशांति का कारण बनता है। अब चलिए देवी, हमें संध्या पूजा और आरती में विलंब हो रहा है। अब मैं अपने भक्त को उचित दिशा कैसे दिखाऊं? अब यहां से आगे किधर जाऊं? प्रभु कृपया मार्गदर्शन कीजिए। अब तो कोई अन्य उपाय सोचना होगा। सिंदूर तो उड़ा नहीं सकता, माता ने मना जो किया है। किंतु माता ने सिंदूर उड़ाने से मना किया है, लगाने से तो नहीं। मित्रों, मेरी एक सहायता करोगे? हाँ। मुझे बहुत सारा सिंदूर लाकर दोगे? सिंदूर लगाने से मन शांत रहता है ना, इसलिए चाहिए ढेर सारा। देखो गणेश, ये मैं ले आया, ये मंदिर में रखा हुआ था। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रघु। प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बस अब रुक जाओ गणेश। हाँ गणेश, अब अधिक हो रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं रुक सकता। मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी लगा दो। लगाओ ना। जब भक्त के साथ भगवान है तो सोचना क्या, मार्ग मिल ही जाएगा। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा प्रभु, आप ऐसे ही मार्ग दिखाते रहिए, मैं बस शीघ्र आप तक पहुंच जाऊंगा। मेरे प्रभु, प्रभु, ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः। नहीं, आंसू नहीं, भक्ति का भाव देखना चाहता हूँ, भक्ति पूर्ण नृत्य देखना चाहता हूँ, उसका सुख पाना चाहता हूँ। प्रभु, जहाँ भक्ति है वहाँ नृत्य है,
और आज मैं भक्ति के सागर में ऐसा डूबा हुआ हूँ कि मेरे पांव स्वयं थिरकना चाहते हैं। आज मैं रुकूंगा नहीं प्रभु, मैं भक्ति के रंग में रंग कर ऐसा नृत्य करूंगा कि आप स्वयं सुख के सागर में डूब जाएंगे। ये कैसा व्यवहार है गणेश? तुम इन ऋषिवर को क्यों सता रहे हो? माते, मैं मुदगल ऋषि आपको प्रणाम करता हूँ। माते, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। माते, यह जो कुछ भी हुआ उसका कारण मैं हूँ। माते, उससे आप क्रोधित हैं तो माते मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। इसमें सारा दोष मेरा है माते, मेरे प्रभु का नहीं। मैंने ही प्रभु से कहा था कि मैं ऐसा नृत्य करूंगा कि प्रभु आनंदित हो उठेंगे। किंतु ऋषिवर, आप आश्रम में अतिथि हैं, आयु में, अनुभव में उससे कहीं अधिक हैं, इसलिए उसको आपका स्वागत उचित प्रकार से करना चाहिए था ना ऋषिवर? आसन देकर सेवा सत्कार करना चाहिए था, आपको भोजन के लिए पूछना चाहिए था। माता, सेवा करना तो भक्त को शोभा देता है और भगवान को सेवा पाना। और जहां तक भोजन का प्रश्न उठता है माते, माते मैंने प्रण लिया है जब तक मेरे प्रभु मुझे परम ब्रह्म महाप्रभु गणाधिपति के दर्शन नहीं देते, तब तक माते मैं मात्र 15 दिन में एक बार ही भोजन करूंगा, और वो भी मात्र वो अन्न जो मैं भूमि से उठाकर एकत्रित करूंगा, पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ नहीं खाऊंगा माते। आप माता के लिए वो बालक हैं, उनके मित्रों के लिए वो बालक हैं, किंतु इस भक्त के लिए साक्षात भगवान उनके सामने हैं, जिन्हें अपनी भक्ति से प्रसन्न करना इस भक्त का परम कर्तव्य है माते। एक भक्त का भगवान के प्रति आदर और भक्ति का भाव स्वाभाविक है, और मैं आपके इस भाव का आदर करती हूँ। किंतु एक बालक कितना ही दिव्य क्यों ना हो, उसके द्वारा उचित शिष्टाचार का आचरण भी आवश्यक है। इसलिए जो मेरे दंड से उचित सीख ना पा सका, वो अब अपने पिता के दंड का भागी होगा। नहीं माते, नहीं। देवी अहिल्या, आप ऋषिवर के आश्रम में रहने की उचित व्यवस्था कीजिए। ऋषिवर, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी सारी व्यवस्था कर देती हूँ। ये शिष्य आपको आपकी कुटिया तक ले जाएंगे। यहाँ इस आश्रम में आपके अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं होगी। आप अतिथि हैं हमारे, आपके सत्कार का, सुख का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। आप मदिरा पान कीजिए। ये सब सत्कार कहीं अत्याचार में ना बदल जाए। नहीं नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। त्रिलोकनाथ, त्रिलोकनाथ, स्वर्ग का सुख क्या नहीं भा रहा है कुशला सुर? भय नहीं, संशय नहीं, समय है तुम्हारे आनंद भोगने का। मुझे क्षमा करें, मैं किसी पुरस्कार के योग्य नहीं हूँ, मुझे क्षमा करें। मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि वो बालक का साधारण है। मैंने उसके भोजन में विष मिलाया था, किंतु वो बालक मर गया। ये क्या हो रहा है? मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ ये बोलने का कि वह बच गया, परंतु मेरे मुख से वह मर गया क्यों निकल रहा है? बस अब बंद करो अपनी प्रशंसा। जान भी लिया, मान भी लिया, विष तुम्हारा जहां पड़ जाए वो भूमि भी जल जाए। विष मिला भोजन खाकर वो बालक मर गया,
तो पुरस्कार का आनंद लो। मर गया के स्थान पर बच गया बोलते बोलते कहीं मैं ही ना मर जाऊं। सत्य जानने के बाद त्रिलोकनाथ सिंधु मेरी जीभ ही नहीं, मेरा सर भी काट देंगे। स्वामी, अब हमारे पुत्र को समझाना मेरे वश में नहीं। पहले इसने खुद को सिंदूर से रंगा और फिर ऋषि मुदगल के साथ उपहास किया, ये अनुचित है। पुत्र गणेश, तुम्हारी माँ तुम्हारी नटखट लीला से चिंतित हैं। तुम बता सकते हो ऐसा तुमने क्यों किया? तो शीघ्र बताओ गणेश। पिताश्री, माता ने ही कहा था सिंदूर लगाने से मन शांत होता है, और यहाँ सब यही चाहते हैं ना कि मैं नटखट ना रहूं, शांत हो जाऊं, सुशील हो जाऊं, तो इसलिए मैंने सिंदूर लगा लिया। कैसी बातें बना रहा है ये, देख रहे हैं आप स्वामी? हाँ पिताश्री, देखिए ना, मैं तो माता के शब्दों का अक्षरशः पालन कर रहा हूँ। माता, आपने कहा सिंदूर से शुभता आती है, तो मैंने सिंदूर लगाया और शुभता के रूप में ऋषि मुदगल हमारे आश्रम पधारे। और तुमने उनके साथ क्या किया? उपहास ना? नहीं माता, हम दोनों तो एक दूसरे के दर्शन कर अत्यंत आनंदित थे। और जब एक दूसरे से इतना गहरा संबंध हो तो आनंद में तो खोना स्वाभाविक है ना? हाँ प्रिय, ये संबंध तो भक्त और भगवान का है, जो सर्वथा अद्भुत है। तो फिर आप व्यर्थ में क्यों चिंतित हो रही हैं? भक्त और भगवान का संबंध तो किसी भी राग विराग से परे है, पवित्र पावन है। इसीलिए तो भगवान सच्चे भक्त को पाकर और भक्त भगवान के दर्शन पाकर अपनी सुदबुद्ध खो बैठते हैं। इसमें तो कोई दोष नहीं। स्वामी, आप भी इसी की ओर से बोल रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं इसे? नहीं गणेश, ये उचित नहीं। कहीं माता का ये क्रोध पिताश्री के क्रोध का कारण ना बन जाए। आप मुझे केवल इतना बताइए कि आप इसे कड़ा दंड देंगे या नहीं? शांति में ही सबका कल्याण है। पिताश्री, माता जो कह रही है अब मैं वो समझ गया। मुझे उन्हें इस प्रकार नृत्य करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूँ, भूल मुझसे ही हुई है। भूल स्वीकार करने के बाद भी आप इसे कुछ नहीं कहेंगे स्वामी? कोई बात नहीं, किंतु मैं माँ हूँ और माँ अपने संतान की प्रथम गुरु होती है। मैं निभाऊंगी ये कर्तव्य। मैं करती हूँ इसका आचरण ठीक। पुत्र गणेश, दंड मैं दूंगी तुम्हें, किंतु तुम्हें सीख अपने पिता से लेनी होगी। पूरी रात इनके समान तुम्हें ध्यान में बैठना होगा, तभी सीखोगे तुम शिष्टाचार का अर्थ। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो तुम फिर इधर उधर हो जाओगे। जाओ कुटिया में जाकर एकाग्रचित होकर ध्यान करो। उचित है माता। ये है आपका विश्राम कक्ष। ऋषिवर, यहाँ हमारे आश्रम में चिंता करना मना है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलिए, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पुत्री, मैं चिंतित नहीं, तनिक विचलित हूँ। प्रभु के इस भक्त को प्रभु के दर्शन के सिवा और क्या चाहिए? क्या आप मुझे बता सकती हैं पुत्री कि प्रभु हमें कहाँ मिलेंगे? कौन प्रभु? गणेश? हाँ। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? अभी तो हम भी गणेश से नहीं मिल सकते। माता बहुत क्रोधित हैं और उन्होंने गणेश को एकांत में ध्यान करने का दंड दिया है। आप विश्राम कीजिए। मैं तो मन भरकर
अपने प्रभु से मिल भी ना सका, भेंट भी अधूरी रह गई। ओहो, अति सुंदर, अद्भुत है माता प्रकृति की रचना। माता से स्मरण हुआ, उनका आदेश है, मुझे एकाग्रचित रहना चाहिए, और मैं तो आज्ञाकारी पुत्र हूँ। ओहो, कितने सारे लड्डू, माता के हाथ का स्वाद आहा, अद्भुत है। नहीं नहीं, माता ने कहा था ध्यान लगाओ। कितना भी प्रयास करूं, स्थिर रहकर ध्यान कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। माता पार्वती, गणेश का ध्यान तो बार बार भंग हो रहा है, किंतु जिस प्रकार निर्दोष भाव से वो प्रयास कर रहे हैं, ये अत्यंत मनमोहक है। आसपास की वस्तु किसी का भी ध्यान भटका सकती है, किंतु पुत्र, यदि तुम अपने भीतर अपनी अंतर आत्मा पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारी चेतना समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाएगी और तुम्हारा ध्यान सफल होगा। तो पुत्र, अब ध्यान लगाओ, और हाँ, मेरी आज्ञा के बिना यहाँ से हिलने का साहस भी मत करना। जी माता। अपने भीतर अपने अंतरात्मा से जुड़ाव करना है मुझे, तब मैं समस्त ब्रह्मांड से जुड़ जाऊंगा। प्रभु, आप तो सर्वत्र हैं, किंतु आपकी प्रतिमा आपकी प्रतीक है। मैं इस प्रतिमा को साक्षी मानकर आपके ध्यान में रम जाऊंगा और स्वयं को आपसे जुड़ने का अनुभव प्राप्त करूंगा। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। गणेश है तो एक बालक ही, तो कहीं मैंने उसे बहुत कठोर दंड तो नहीं दे दिया? ऐसी परिस्थिति में अत्यधिक स्नेह संतान में दोष को ही बढ़ावा देता है और दंड गुण को उजागर करता है। मुझे गणेश में दोष नहीं, गुण ही गुण देखने हैं, किंतु मेरी ममता उसके कष्ट को देखकर दुखी हो रही है। प्रिय, आपका मन अशांत क्यों लग रहा है? प्रिय, दंड तो आप ही ने दिया है उसको, तो उसे लेकर व्यथा भी आपको हो रही है। एक माँ की ममता ऐसी ही होती है स्वामी, वो अपने पुत्र को उचित मार्ग दिखाना भी चाहती है, किंतु वो ये भी चाहती है कि उसके मार्ग में कभी कोई छोटा सा कंटक भी ना आए। प्रिय, मार्ग उचित हो तो कठिनाइयां भी सरल हो जाती हैं। आपने उसे प्रेरित किया तो अपने पुत्र पर विश्वास कीजिए, फिर उसके मार्ग में कंटक क्या, कंटक भरा वन भी आ जाए, कंकड़ पत्थर क्या, शिलाओं से भरा पर्वत भी आ जाए, उसे कुछ नहीं रोक सकेगा। और यदि उनमें गणेश को रोकने की क्षमता होगी तो वो स्वयं इन बाधाओं का सामना करने की शक्ति भी जगा लेगा, जिससे वो अपने ध्येय तक पहुंच सके और अपने कार्य में सफल हो सके। ओम। ओम।
माता ने, मैं अपने भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड देख सकूंगा, उससे जुड़ाव स्थापित कर सकूंगा। गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। प्रभु, मैं आपसे मिला भी और आपसे मिलने का अनुभव अपूर्ण भी रह गया, किंतु मैं इस अपूर्णता के भाव को दूर करना चाहता हूँ, आपसे भेंट करना चाहता हूँ। बालकों ने ऋषिवर की कुठिया में जल रखा है या नहीं, मुझे देख लेना चाहिए, अन्यथा रात में प्यास लगने पर वो जल कहाँ ढूंढेंगे। प्रभु, ये भक्त आपसे गुहार लगाता है, कृपया कर अपने इस भक्त से एक बार भेंट कर लें, अन्यथा मैं इसी प्रकार रात भर आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा, न सोऊंगा और न शांत रहूंगा। एक ओर भक्त की गुहार है तो दूसरी ओर माता का आदेश, मैं दोनों को ही नहीं टाल सकता, तो अब मैं क्या करूं? मैं जानता हूं आपके दुख का कारण आपकी ममता है, तो आप ही सुझाइए स्वामी कि मेरी इस ममता की पुकार को मैं कैसे शांत करूं। वह मेरा पुत्र रात भर ध्यान करेगा, मुझे भला कैसे नींद आएगी प्रभु, मैं नहीं कर सकती। तो फिर आप वही कीजिए जो आपका मन कहता है। मेरा मन तो कहता है कि मैं उसे क्षमा कर दूं और शीघ्र ही ऋषि गौतम की देखरेख में उसे शिक्षा आरंभ करने के लिए भेज दूं। भक्त की पीड़ा दूर करना मेरा दायित्व है, किंतु माता के आदेश का पालन भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इस कुटिया से बाहर नहीं जा सकता, तो फिर इस दुविधा का भला क्या समाधान है? भक्त के प्रति अपना कर्तव्य तो मुझे निभाना ही होगा। आपके अंतर मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था ऋषिवर? गणेश, आश्चर्य, विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे, ये कैसे संभव है? आपके अंतर मन की अद्भुत पुकार सुनकर मैं भला कैसे रुक सकता था ऋषिवर? गणेश, आश्चर्य, विवश कर दिया आपकी भक्ति के संगीत ने मुझे, ये कैसे संभव है? वो मुझे आपके पास खींच ही लाया। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया, अब मैं निश्चिंत होकर सो सकूंगा प्रभु, मेरा विश्वास करिए प्रभु, आपके प्रति मेरी भक्ति अटूट है, मैं कभी उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा, आपके दर्शन हेतु मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो अवश्य करूंगा। आपकी भक्ति का आभास मुझे हो चुका है ऋषिवर, आपने जिस प्रकार मेरे चरणों में सिंदूर समर्पित किया, मैं उससे अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ और सिंदूर मुझे अत्यंत प्रिय हो गया है,
अब जो भी सच्ची भक्ति से मुझे सिंदूर समर्पित करेगा उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा और वो मेरी कृपा का भागी बनेगा। और आपका दिव्य नृत्य, आपका संगीत, वो तो अत्यंत मनोहर था। अब आपको और कुछ? अब और कुछ क्या करेंगे ऋषिवर? इतना तो सता चुके हैं आप इन्हें, अब इन सरल स्वभाव के ऋषिवर को और कितना सताएंगे? हाँ नहीं माते, माते क्षमा कीजिए, प्रभु स्वयं यहाँ पर नहीं आए, मैंने प्रभु का आह्वान किया है यहाँ पर आने के लिए। ऋषिवर, गुणेश अपने मीठी बातों से कैसे उलझाते हैं, उससे मैं ही नहीं पूरा आश्रम परिचित है। इसीलिए गुणेश, अब जो भी कुछ कहना है माता पार्वती के सामने ही कहेंगे आप। आप चिंता मत कीजिए ऋषिवर, दो दो माताओं का स्नेह मिला है मुझे और दोनों के मन में मेरे लिए अपार ममता है। मुझे जाना होगा, कल भेंट होगी, अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम तो वो तब करेंगे ना जब आप उन्हें करने देंगे। माता की आज्ञा का पालन नहीं किया आपने, अब तो आपको और दंड मिलेगा। चलिए माते, आइए आइए। भूल तो मुझसे हुई है जो मैंने भ्राता परम श्री कृष्ण के समान पुत्र मांग लिया। एक पल स्थिर नहीं रहता, सदा किसी न किसी नटखट लीला में व्यस्त रहता है। बहन, 16 कलाओं से पूर्ण हूँ मैं, अथा मेरे सामने गुणेश की नटखट लीलाएं भी स्वाभाविक है। आप तो बस आनंद लीजिए उसकी लीलाओं का। देखिए गुणेश, तो अब तुमने माता की आज्ञा भी नहीं मानी? नहीं माता, ये तो मैं कदापि नहीं कर सकता। आप विश्वास कीजिए, मैंने आपकी आज्ञा नहीं टाली। ओ तुम्हारा स्वर कुटिया के भीतर से? चलिए। देखा माता, मैं तो यही था, बस मेरा मन बाहर गया था ऋषि मुद्गल के पास। वो इतने भक्ति भाव से, इतने स्नेह से जो पुकार रहे थे मुझे। ओह, ये तो उचित है, गुणेश ने मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं किया। देखा माता, फिर से अपने मीठी मीठी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि इनका मन यहाँ से बाहर गया था तो ये यहाँ ध्यान कैसे कर रहे थे? इनकी ये नटखट लीला तभी समाप्त होगी जब इनकी विधिवत शिक्षा होगी, अन्यथा ये नई नई लीलाओं से हमें भ्रम में डालते रहेंगे। नहीं नहीं माता, ऐसा नहीं है। बस गुणेश, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। माता अहिल्या उचित कह रही हैं, तुम्हारा सुधार तभी होगा जब तुम कल से ऋषि गौतम के शिष्य बनोगे। तब देखती हूँ मैं कि कैसे तुम अपनी नटखट लीला करते हो। उचित है माता। प्रभु आपके दर्शन पाकर मैं आनंद से झूम उठा हूँ, धन्य हो गया प्रभु। आपके इस भक्त को पूर्ण तृप्ति तभी प्राप्त होगी जब आप मुझे अपने परम ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति के स्वरूप का दर्शन देंगे। अब तो बस मुझे उसी पल की प्रतीक्षा है। क्या हुआ पुत्र, तुम्हें नींद नहीं आ रही? प्रणाम पिताश्री। भक्त की डोर क्या तुम्हें अपनी ओर खींच रही है?
किंतु तुम तो उनके निकट गए थे पुत्र, तब तुमने ऋषिवर को अपने दिव्य दर्शन क्यों नहीं दिए जिसकी उन्हें इच्छा है? पिताश्री, आपसे कहाँ छिपा है कि माता की ममता और भगवान का भक्त के प्रति प्रेम दोनों एक जैसे हैं। कोमल भी है और कठोर भी। माता दंड भी देती है और दुलार भी करती है, वैसे ही भगवान कृपा भी करते हैं और परीक्षा भी लेते हैं। परीक्षा? हाँ पिताश्री, ऐसी परीक्षा जो वो महर्षि लेंगे जो स्वयं आपके ही अंश अवतार हैं, और वो हमारे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा पुत्र, तो पिताश्री ने उठा दिया तुम्हें? जी माता। अब शीघ्र जाके स्नान करो और अपने मित्रों के साथ गौतम ऋषि से शिक्षा पाना आरंभ करो। और हाँ, एकाग्रता से शिक्षा ग्रहण करना, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। मैंने कहा था ना पिताश्री, माता की ममता में दंड भी है और दुलार भी। गणेश, अब तो मैंने कुछ भी नहीं किया माता, बस पिता और पुत्र की बातें हो रही थी। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी भूली बातों से बहलाने का प्रयास कर रहे हो? किंतु एक बात स्मरण रखना, गुरुकुल में नटखट लीला मत करना। जी माता। गणेश आओ, शीघ्रता करो। आ रहा हूँ मित्रों, ऐसे ही थोड़ी चला जाऊंगा, पहले आप दोनों का आशीर्वाद तो ले लूं। आज गुरुकुल का पहला दिन जो है। प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम माता। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, किंतु अब शीघ्र गुरुकुल पहुँचो और इधर उधर घूमकर समय व्यर्थ मत करना। उचित है माता। शिक्षा का क्या अर्थ है पता है? नहीं तो तुम बताओ। अब से सारे खेल बंद, अब से बस शिक्षा ही शिक्षा। गणेश, आज से बस सीखना ही सीखना, तो फिर खेल का समय कैसे मिलेगा? प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ वत्स गणेश? सभी शिष्य तो बैठ चुके हैं, क्या तुम्हें बैठने की इच्छा नहीं है? गुरुदेव, आप हमारे गुरु हैं, आप हमें ज्ञान देकर हमारे जीवन को उचित दिशा देंगे, इसलिए गुरु का स्थान शिष्य से कहीं उच्च होता है। और शिष्टाचार तो यही है कि गुरु के द्वारा आसन ग्रहण करने के पश्चात ही शिष्य को अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए। उचित कहा गणेश, शिष्टाचार के इस नियम का पालन तो सभी को करना चाहिए। आज तुम्हारे शिक्षा का प्रथम दिन, गणेश के उदाहरण से तुम्हें ये सीख मिली कि शिष्टाचार ही आचरण का आधार है और आचरण ही चरित्र को निर्धारित करता है। अर्थात शिष्टाचार के नियमों का पालन कर हम अपने चरित्र को निखारते ही है, अपने जीवन को सवारते भी है। इस गुरुकुल में हम सब साथ में वेदों और उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करेंगे और उन पर आधारित नियमों को भी सीखेंगे। माता पार्वती, आइए, आपका गुरुकुल में स्वागत है। प्रणाम माता। धन्यवाद ऋषिवर। किंतु शिष्यों,
तुम्हारी शिक्षा तो यहाँ आने से पहले ही आरंभ हो चुकी है। ये बताओ कि जन्म से अब तक किसने तुम्हें शिक्षा दी? इसका उत्तर भी बहुत सरल है शिष्यों। एक बालक की प्रथम गुरु तो उसकी माता ही होती है। हाँ, ये तो सत्य है गुरुदेव। मेरी माता ने ही मुझे चलना सिखाया और उचित प्रकार से भोजन करना भी। हाँ गुरुदेव, मेरी माता मुझे सदा कुछ सिखाते रहती हैं। हाँ शिष्यों, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तो माता ही देती है। माता, ये मेरे शिष्यों का परम सौभाग्य है कि स्वयं जगत जननी के पाठ से इनका गुरुकुल आरंभ होगा। एक माँ की तो यही इच्छा होती है कि उसकी संतान को श्रेष्ठ शिक्षा मिले, जिसे आधार बनाकर वो ऐसे उत्तम जीवन की रचना करे जिस पर सभी को गर्व हो। तो अब मेरे प्रश्न का भी उत्तर दो, जीवन में सबसे अधिक महत्व किसका है? बहुत ही सरल, जन्मदाता माता पिता और गुरु, जो ज्ञान देते हैं, मार्गदर्शन देकर सुंदर और सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तो आप सबके जीवन में इन तीनों का बड़ा योगदान है। कुम्हार गीली मिट्टी को ठोस रूप देकर उसे पात्र बनाता है, किंतु क्या मिट्टी को चाक पर रख देने भर से वो पात्र का आकार ले लेती है? माता, उसके लिए तो कुम्हार के दोनों हाथ और उसके चाक, तीनों का योगदान आवश्यक है। हाँ पुत्र, कुम्हार के दोनों हाथ मिट्टी को सींचते हैं, आकार देते हैं, और चाक उसे गढ़ने का आधार बनता है। दोनों हाथ माता पिता हैं और गुरु वो चाक है। ये तीनों ही आपके वर्तमान और भविष्य दोनों के कारक हैं। इसलिए हमें तीनों का सदैव सम्मान करना चाहिए। मैं आपको इनकी वंदना सिखाऊंगी। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर् देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। माता, स्वामी, उनका आगमन हो गया है। कौन देवी? वही जो तपोबल के धनी है, जो दिव्य है, जो ईश्वर तुल्य है, जिनका अपार तेज और जिनका अपार क्रोध भी सर्वज्ञात है। महर्षि दुर्वासा, बहुत ज्ञानी ऋषि है ये, किंतु क्रोध भी करते हैं। हाँ, देवता भी इनसे डरते हैं। कुछ गड़बड़ मत कर देना, एक बार क्रोध से देख लिया तो भस्म हो जाओगे। क्या हुआ माता, आप अचानक इतनी चिंता में क्यों आ गए? ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऋषि दुर्वासा हमारे आश्रम में पधार रहे हैं। स्वामी, जो पल भर में क्रोधित होकर श्राप दे थे, जिन्होंने स्वयं अपनी पत्नी को कदली फल बन जाने का श्राप दे दिया, मैं आपको इसी क्षण भस्म होने का श्राप देता हूँ। उन ऋषि दुर्वासा के आगमन पर प्रसन्नता भी है, किंतु चिंता भी है।
क्योंकि यदि गणेश ने अपने नटखट स्वभाव के कारण उनके सामने कोई भूल कर दी तो मुझे भी देखना है ऋषिवर को। भूल तो हो गई है, अब गणेश ऋषिवर के सामने भी आ गया। पता नहीं क्या करेगा गणेश, और इसका परिणाम क्या होगा। प्रणाम हे महर्षि, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है, और इसे गुरुदेव के नन्हे शिष्यों द्वारा आपका पद प्रक्षालन ही समझिए। मेरे क्रोध से सभी परिचित हैं, किंतु बड़ी चतुराई से तुमने मेरी जागृत होने वाली क्रोधाग्नि को जल से मेरे पद का प्रक्षालन करके शांत कर दिया। हो न हो, वो तुम ही हो। आप किसकी बात कर रहे हैं? ये तो मुझे पता नहीं ऋषिवर, किंतु मैं तो गणेश हूँ, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का पुत्र। हमारा प्रणाम भी स्वीकार करें। प्रणाम ऋषिवर गौतम, प्रणाम माता पार्वती। ऋषिवर क्षमा कीजिए, मैंने आपकी कक्षा में विघ्न डाल दी, किंतु मैं स्वयं को रोक भी कैसे पाता। मुझे पता चला स्वयं महादेव माता पार्वती अपने पुत्र के साथ यहाँ आश्रम में है। नहीं ऋषिवर, आप हमारी चिंता ना करें, आपके दर्शन दुर्लभ है। ये तो मेरा और मेरे शिष्यों का सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। उनके शिक्षा के आरंभ में ही आपका दर्शन हो गया ऋषिवर। आप लंबी यात्रा कर थक गए होंगे, मैं आपको अतिथि कुटिया ले चलता हूँ, वहाँ विश्राम करें। ऋषि दुर्वासा के यहाँ आने का एक विशेष प्रयोजन है, ऋषि मुद्गल की परीक्षा, जिसके लिए मुझे उनका साथ पाने का अवसर ढूंढना होगा, जिससे ऋषि मुद्गल उनके सामने आए और ऋषि दुर्वासा उनकी परीक्षा लें। आइए ऋषिवर। रुकिए गुरुवर। गुरुदेव क्षमा कीजिए, मैंने आपको रोका, किंतु शिक्षा का लाभ तो तभी है ना जब उसे जीवन में अपनाया जाए, और माता ने अभी शिक्षा दी है कि माता पिता और गुरु का सदा सम्मान करना चाहिए। इसलिए जब शिष्य यहाँ है तो गुरुदेव को जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, उनके कार्य करना, उनकी सेवा हम सभी का और मेरा भी कर्तव्य है, इसलिए महर्षि दुर्वासा को भी उनकी कुटिया तक मुझे ही ले जाना चाहिए। मुझे अनुमति दीजिए गुरुदेव। इससे अधिक आनंद की बात और क्या हो सकती है भला। उचित है गणेश, ऋषिवर को उनकी कुटिया तक ले जाओ। आइए ऋषिवर। ऋषि मुद्गल के साथ उन्होंने जो उपहास किया था, कहीं गणेश ऋषि दुर्वासा के साथ कोई ऐसा व्यवहार न करते। नहीं देवी अहिल्या, आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। मेरा पुत्र नटखट अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो ऋषि दुर्वासा के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं करेगा। माता, गणेश ने जो कुछ भी किया है वो आपसे छिपा नहीं है, फिर भी आपको उन पर इतना विश्वास है। ऋषिवर, हमारे आश्रम के तो भाग्य ही खुल गए हैं, आज आपने यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया, तो कल
एक और महान ऋषि यहाँ पधारे थे। अच्छा, कौन है वो ऋषि? मुद्गल ऋषि, जो परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ऐसी भक्ति है उनकी कि भगवान को भी अपनी भक्ति के रंग में रंग लेते हैं। इतने महान ऋषि के दर्शन तो हमें शीघ्र करने चाहिए। शीघ्र क्यों ऋषिवर, उनसे तो आप अभी भेंट कर सकते हैं। वो देखिए, वो रहे ऋषि मुद्गल। ओम गण गणपते हे नमः। ओम गण गणपते हे नमः। किंतु वहाँ वो कर क्या रहे हैं? उन्होंने व्रत लिया है। वो 15 दिनों में एक ही बार भोजन करेंगे और पेड़ पौधों से तोड़कर कुछ भी नहीं खाएंगे। जो भूमि पर गिरा होगा वही उठाकर उसे अपना आहार बनाएंगे। जब तक उन्हें प्रभु महागणाधिपति के दर्शन नहीं मिल जाते। आइए ऋषिवर, ये आपकी कुटिया है और इधर ऋषि मुद्गल की। इतने महान ऋषि की कोई कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे तो पूर्ण विश्वास है ऋषि मुद्गल उसमें अवश्य सफल होंगे। आज्ञा ऋषिवर। क्या ऋषि मुद्गल वास्तव में इतने महान है कि स्वयं पालनहार गणेश उनकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे? मैं आपके लिए पुष्पहार लेकर आई हूँ। ये क्या हो रहा है? मुझे कार्यकाल में मत डालो, मेरा कोई दोष नहीं त्रिलोकनाथ। मैंने तो सत्य बताने का प्रयास किया था। त्रिलोकनाथ, मैंने बताने का प्रयास किया था, मैंने किया था। मैं इसमें और विलंब नहीं कर सकता। जो बात मैं अभी तक बोल कर नहीं बता पाया वो मैं लिख कर बताऊंगा। ओम गण गणपते हे नमः। ओम गण गणपते हे नमः। ओम गण गणपते हे नमः। इतना मेरे लिए पर्याप्त है प्रभु। इसकी दलिया बनाकर आपको भोग चढ़ाऊंगा, उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करूंगा। इतने महान ऋषि की कोई कैसी भी परीक्षा क्यों ना ले ले, मुझे तो पूर्ण विश्वास है ऋषि मुद्गल उसमें अवश्य सफल होंगे। उचित है, मैं इनकी अत्यंत कठिन परीक्षा लूंगा। भावनाओं, विचारों, धैर्य और भक्ति की परीक्षा है ये। इसका परिणाम उन सभी के लिए उत्तर होगा जिन्हें गणेश पर लेस मात्र भी संदेह है। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते हे नमः। मुझे जो करना था मैंने कर दिया। महर्षि दुर्वासा अब ऋषि मुद्गल की परीक्षा अवश्य लेंगे, तो मुझे गुरुदेव के पास लौट जाना चाहिए। असुर प्रभु त्रिलोकनाथ, जो समाचार आपको बताकर भी नहीं बता पा रहा था वही समाचार आपको फिर से बताने आया हूँ। और ये समाचार इतना महत्वपूर्ण है कि न बताया तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। क्या है, क्या है इतना महत्वपूर्ण जो स्वर्ग के सुख में भी तुमने दुख ढूंढ लिया? त्रिलोकनाथ, आपने बहुत कृपा की है मुझ पर, किन्तु जो सुख मुझे चुभ रहा है मैं उसमें सुखी कैसे रह सकता हूँ? पहेलियां मत बुझाओ, कहो क्या कहना है। वही त्रिलोकनाथ, जो मैं बोलकर भी नहीं बोल सका
वो अब मैं लिख कर बताना चाहता हूँ। कुशलासुर, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, जो तुम करने जा रहे हो उसका भी उपाय है मेरे पास। तो समय व्यर्थ मत करो, लिखो अभी यहाँ। गुरुवर, एक विनती है, स्वीकार करने की कृपा कीजिए। हमें अक्षर लिखने का अभ्यास करने की इच्छा है। देवी अहिल्या, पुत्र गणेश अपनी नटखट लीला त्याग कर किस प्रकार अपनी शिक्षा में ध्यान दे रहा है। माता को गणेश पर पूर्ण विश्वास है, किंतु मेरे मन में तो अभी भी उनकी नटखट लीलाओं को लेकर अनेकों चिंताएं हैं। ये तो बहुत उत्तम विचार है वत्स, उचित है। अक्षर ज्ञान के आरंभ में हम सर्वप्रथम ओम लिखना सीखेंगे। यही एक अक्षर है जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसमें अ, उ और म का मेल ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मेल का प्रतीक है। ओम लिखकर त्रिमूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम सभी की शिक्षा सरल ही नहीं होगी, उसमें दिव्यता का भी वास होगा। लिखिए शिशु। देता हूं। ये सत्य आपसे छिपा नहीं रहना चाहिए त्रिलोकनाथ, यही मैं आपको बताने के लिए आतुर हूं। जो अनेक बार बता चुके हो वो और कितना बताओगे। मुझे ज्ञात है गणेश मृत है। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ और लिखा था। फिर वही करना होगा मुझे। ये देखिए प्रभु, बार बार मेरा समय नष्ट कर रहे हो। स्वर्ग का सुख पाकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। तुम उसके योग्य हो ही नहीं। डाल दो इसे कारागार में, इसी के योग्य है। नहीं प्रभु, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्रभु। यातनाएं दो इसे, तब समझ आएगा क्या सोचना है और क्या कहना है। त्रिलोकनाथ, मेरी बात का विश्वास कीजिए त्रिलोकनाथ। मेरा विश्वास कीजिए त्रिलोकनाथ। सिंधु का आशय कुछ और था, किंतु भूल से ही उसने जो कहा उचित कहा, क्योंकि उसी कारागार में कुशलासुर को सत्य का ज्ञान होने वाला था। तो
किंतु उससे पहले संसार प्रभु महागणाधिपति के वास्तविक स्वरूप का साक्षी बनने वाला था। एक महान भक्त की परीक्षा होने वाली थी और देवी परीक्षा भक्त की थी, किंतु विचलित स्वयं भगवान होने लगे थे। अब वो घड़ी निकट थी जब ऋषि मुद्गल की परीक्षा महर्षि दुर्वासा लेने वाले थे। ये देखिए गुरुदेव, मैंने भी लिखा। मैंने भी लिख लिया। मैंने भी उचित लिखा है ना गुरुदेव? महर्षि दुर्वासा और ऋषि मुद्गल की भेंट अब होने ही वाली है। कहाँ खोए हो गणेश? तुमने ही तो अक्षर ज्ञान की मांग की थी ना, और तुम ही सबसे पीछे हो। ये देखिए गुरुवर, मैंने भी लिखा है ओम। अद्भुत। गुरुजी, गणेश पीछे रहकर भी आगे हो गया। देवी अहिल्या, किसी के भी बुरे कार्य की निंदा करना जितना आवश्यक है, उससे भी अति आवश्यक उसके अच्छे कार्य की सराहना करना है। इससे न केवल उसका मनोबल बढ़ता है, अपितु स्वयं में सुधार लाने की प्रेरणा भी आती है। आप उचित कह रही है माता। ओम को बहुत सुंदरता से लिखा है गणेश ने, किंतु गणेश है वो। अपनी नटखट बाल लीला का त्याग करना उनके लिए कदापि सरल नहीं है। कोई ना कोई नटखट लीला अवश्य करेंगे। और अब किसी भी मंत्र को सीखने से पहले हम श्री विद्या देवी के ध्यान मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम एम हिम क्लिम महासरस्वती देव्याय नमः। इस मंत्र से ज्ञान एवं विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी शिष्यों को एक साथ इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना, और ध्यान रहे शिष्यों कि 108 बार मंत्र उच्चारण के पहले ध्यान टूटना नहीं चाहिए। ओम एम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। ओम एम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। भक्त के द्वारा प्रस्तुत इस भोग को स्वीकार करें प्रभु। आहा, कितनी अच्छी सुगंध है भोजन की। अवश्य ही अत्यंत कुछ स्वादिष्ट है वहां। महर्षि दुर्वासा, कल्याण हो। ओ भाग्य हमारे जो आप हमारे द्वार पर पधारे। मैं धन्य हो गया ऋषिवर, धन्य हो गया। आइए पधारिए। ओम एम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देवाय नमः। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महर्षि दुर्वासा ऋषि मुद्गल की कुटिया में उनकी परीक्षा लेने पहुँच गए। पधारिये ऋषिवर। परीक्षा? कैसी परीक्षा? आइए। ऋषि मुद्गल, आपकी कुटिया से आती भोजन की सुगंध से आकर्षित होकर मैं यहाँ खींचा चला है। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपकी भक्ति के समान आपके हाथों द्वारा पके भोजन का स्वाद भी अनुपम है। किंतु ऋषिवर, भूमि पर पड़े अन्न के दानों से बना साधारण भोजन का स्वाद असाधारण कैसे हो सकता है, ये मुझे ज्ञात नहीं आ रहा ऋषिवर। इतना साधारण भोजन महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत करने में लज्जा आ रही है, तो क्या करूं मैं? ओ अच्छा, तो क्या ऋषि मुद्गल ने महर्षि दुर्वासा को भोजन नहीं प्रस्तुत किया? वैसे ठीक भी है, 15 दिनों से उन्होंने भोजन जो नहीं किया है तो अपना भोजन कैसे दे दे?
तो यदि उन्होंने भोजन नहीं परोसा तो महर्षि दुर्वासा उनसे अत्यंत क्रोधित होंगे, श्राप ही दे डालेंगे। महासरस्वती देव्यै नमः। ऋषिवर, इस भोजन में न घृत है, न नमक है, न मीठा है। स्वाद रहित सादा भोजन आपको कैसे भाएगा, यही सोचकर आपको परोस नहीं रहा था। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कृपया करके आसन ग्रहण कीजिए, मैं इसी पल आपको भोजन परोस देता हूँ। आइए। ये तो प्रभु महागणाधिपति को चढ़ाया भोग है, भगवान का प्रसाद है, इसे मैं अस्वीकार करूं? असंभव है। आइए ऋषिवर। ऋषिवर ने भोजन परोस दिया, किंतु सारा भोजन उन्होंने महर्षि दुर्वासा को प्रस्तुत कर दिया, तो वो स्वयं क्या खाएंगे? रघु, माता और गुरु माता दोनों देख रहे हैं, मंत्र पर ध्यान रखो। ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वती देव्यै नमः। ओम एम ह्रीम। भोजन अत्यंत स्वादिष्ट है, आनंद आ गया। और है क्या? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। ये लीजिए। परीक्षा तो कठिन ही होती है ऋषिवर, मुझे ज्ञात है आप 15 दिनों से भूखे हैं, किंतु आपके त्याग की परीक्षा तो मैं ऐसे ही ले सकता हूँ। मैं वही खाकर संतुष्ट हो जाऊंगा जो प्रभु की प्रतिमा के सामने रखा है। यह भी समाप्त हो गया, किंतु मेरी क्षुधा की पूर्ति नहीं हुई। आपके पास और है क्या? अब तो मात्र ये प्रसाद ही शेष है। महर्षि दुर्वासा मेरी कुटिया से भूखे लौट जाए, ये तो उचित नहीं। क्या वो उनिष्ट चिंतित को हो गए? महर्षि दुर्वासा ने अब ऋषि मुद्गल से शेष भोजन भी मांग लिया, किंतु क्या ऋषि मुद्गल वो दे पाएंगे? कैसे दे पाएंगे? 15 दिन भूखे रहने के बाद मैं अपने भोजन का एक दाना भी किसी को ना दूं। इनका हृदय विशाल अवश्य है, किंतु उतना नहीं जितना गणेश जी समझ रहे हैं। ऋषिवर, आपको आनंद आ रहा है? ये मेरे लिए भी आनंद की बात है। लीजिए। अवश्य। तुम मुस्कुरा रहे हो गणेश, अर्थात ऋषि मुर्गल अपने परीक्षा में सफल हो गए। मैंने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं, आपकी क्षुधा की पूर्ति कैसे होगी? ऋषिवर, मेरी क्षुधा तो तभी मिटेगी जब मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति मुझे पर ब्रह्म स्वरूप में दर्शन देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मेरे प्रभु मेरी क्षुधा अवश्य मिटाएंगे। आपके प्रभु के प्रति आपकी निष्ठा से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ ऋषिवर, किंतु प्रश्न तो ये है कि आप कब तक इस पर स्थिर रहेंगे? दुर्वासा की परीक्षा कभी सरल नहीं होती, आज ये पहली बार है।
जब मैं आपकी कुटिया में भोजन करने आया हूं, किंतु यह अंतिम बार नहीं है। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। भगवान वो सब कुछ आपको दे जिसके आप योग्य हैं। सरस्वती देव्यै नमः। ओम एम ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै। गणेश और रघु दोनों एकाग्र नहीं रहे। मैंने 108 बार मंत्र उच्चारण करने को कहा था। मंत्र उच्चारण जब एकाग्रता से पूरे ध्यान से किया जाए, तब उसकी ऊर्जा ईश्वर तक पहुंचती है और उसका फल अर्थात ईश्वर के अद्भुत दर्शन और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं समझ गया गुरुवर, ये माता ने भी सिखाया है। एकाग्र होकर देखने से ही पुष्पों की सुंदरता, सूर्योदय के समय सूर्यदेव की दिव्य आभा, यहाँ तक कि जल तरंगों का वायु प्रवाह का संगीत, सभी का आभास एकाग्र रहने पर ही होता है, क्योंकि एकाग्रता असत्य की परत को दूर कर सत्य दिखाती है और एकाग्र रहने से ही भक्त और भगवान का संबंध भी स्थापित होता है। इसलिए एकाग्रता तो हम सभी के लिए आवश्यक है और हम शिष्यों के लिए ही नहीं, माता अहिल्या और स्वयं आपके लिए भी गुरुवर। अभी अपने गुरु को भी शिक्षा देंगे क्या? गणेश ने कहा है तो उसका अवश्य कोई अर्थ होगा। मेरे ही देखने में कहीं कोई दोष है। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजाननं भूतागणाधिसेवितम्। स्वामी ये क्या कर रहे हैं? जम्बुफल चार भक्षणम् वासुदं शोक नहीं गुरुवर, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे गुरु हैं, आप नहीं, मैं आपके आशीर्वाद का पात्र हूँ। स्वामी, आपने अभी जो किया उससे मैं अचंभित हूँ। एक बालक के सामने नतमस्तक होने लगे आप। स्वामी, ऐसा आपने क्या देख लिया गणेश में? सत्य, सत्य, वो परम सत्य, सत्य जो कभी ना कभी आपको भी दिखाई देगा। बस आवश्यकता है एकाग्रता की और विश्वास की। मुझे तो एक ही सत्य दिखाई दे रहा है कि मेरे सामने एक नटखट बालक है जो परम ज्ञानी बनने का भ्रम उत्पन्न कर अपने गुरु को भी अपनी नटखट लीला से प्रभावित कर लिया। एकाग्रता से देखिए देवी, तब जानेंगी आप ये जिन्हें आप नटखट बालक कह रही है वो परम ज्ञानी ही नहीं, स्वयं परम ब्रह्मा है। मुदगल ऋषि प्रभु के दर्शन की प्रतीक्षा में था, किंतु प्रभु के दर्शन हुए गौतम ऋषि को। अब आप सोचेंगी कि ये कैसी लीला थी प्रभु महागणाधिपति जी की। भगवान के भक्तों का गंतव्य एक है, प्रभु के दर्शन, जिसका मार्ग है भक्ति। किंतु वो मार्ग हर भक्त को लक्ष्य पर अपने समय पर ही पहुंचाता है। कभी कभी इसमें अधिक समय लगता है तो कभी कम, और जिस भक्त को दर्शन पाने में अधिक समय लगता है, प्रभु उसकी और भी कठोर परीक्षा ले रहे होते हैं।
जिससे वो और भी परिपक्व हो सके और भी अधिक महान भक्त बन सके। उन्हें भगवान द्वारा और बड़े दायित्व सौंपे जा सके। अपने इस भक्त पर कृपा कीजिए, मुझे अपने व्रत पर स्थिर रहने की शक्ति दीजिए प्रभु, शक्ति दीजिए। अब आपकी परीक्षा का एक और चरण है ऋषि मुद्गल। ऐसा कुछ और समय चलता रहा। ऋषि दुर्वासा प्रत्येक 15 दिनों में ऋषि मुद्गल की परीक्षा लेने जाते। ऋषि मुद्गल हर बार उन्हें अपना भोजन प्रदान करते, किंतु फिर भी ऋषि दुर्वासा संतुष्ट न थे और धीरे धीरे ऋषि मुद्गल की अवस्था और बिगड़ने लगी। शरीर की दुर्बलता के कारण मैं पहले समान आपको नृत्य नहीं दिखा सकता, परंतु आपको प्रसन्न करने हेतु एक तारा तो अवश्य बजा सकता हूं। समझ गया प्रभु, आपकी लीला समझ गया। यदि यही आपकी परीक्षा है तो फिर सफल होने का सामर्थ्य भी आप ही देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। मुझे पूरे विश्वास है प्रभु कि मैं अपनी परीक्षा में सफल होऊंगा। जहां भक्ति है वहां स्वयं भगवान की शक्ति है, तो ना भक्त को कुछ होगा ना ही उसकी इच्छा अपूर्ण रहेगी। आप चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन आपको अवश्य प्राप्त होंगे और ऐसा अब शीघ्र होगा। उसका समय अब निकट आ गया है। समय निकट आ गया है? किसका समय? गणेश वृत्त नहीं है, ये क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं? एक बार फिर प्रयास करता हूं। क्या होने वाला है गणेश? किसका समय आ गया है? अब पूर्णता को पूर्णता प्रदान करने का। गणेश मृत्यु नहीं है, गणेश मृत्यु नहीं है, मैं लिख पा रहा हूं, मैं सफल हो गया। सुनो, मैं लिख पा रहा हूं, गणेश मृत्यु नहीं है। ये देखो गणेश मृत्यु नहीं है। गणेश मृत्यु नहीं है, देखो, तुम देखो, गणेश मृत्यु नहीं है। शांत हो जाओ, यदि त्रिलोकनाथ तक तुम्हारा स्वर पहुंचा तो परिणाम और भी भयंकर होगा।
प्रभु प्रभु ये देखिए, गणेश मृत नहीं है, गणेश मृत नहीं है। अच्छा वो नहीं मरा तो तुम मर जाओ। प्रभु त्रिलोकनाथ, इसमें मेरा दोष नहीं है। मैं तो आपको सत्य बताना चाहता था, किंतु मेरी जिबाह, मेरी लेखनी मुझसे छल कर रहे थे। लेकिन सत्य यही है कि गणेश मृत नहीं है, वो जीवित है, ये सत्य है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तुम पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नहीं प्रभु, नहीं। क्रूरासुर, व्योमासुर, कर्मठ, यदि वो गणेश जीवित है तो उसे यहां ला मेरे सामने अभी। तुम्हारा परिणाम मृत्यु है, भले ही वो जीवित हो या मृत। गुरुवर, मैंने गायत्री मंत्र पूर्ण कर लिया। शिक्षा आरंभ हुई है तो जैसे इनका स्वभाव ही बदल गया है। अब तो आप प्रसन्न हैं ना देवी अहिल्या? हाँ माता, बहुत प्रसन्न हूँ मैं। गणेश ने अपनी नटखट लीला का त्याग ही नहीं किया, शिक्षा ग्रहण करने में उत्साह और एकाग्रता का परिचय भी दिया है। वास्तविकता में वो प्रशंसा के पात्र है। और माता, इसी कारण माता अहिल्या ने प्रभु महा गणाधिपति जी की विशेष पूजा का आयोजन भी किया है। हाँ माता, उसकी व्यवस्था कहाँ तक हुई है मैं जाके एक बार देख लेती हूँ। पुत्र, यह सभी का तुम पर विश्वास स्थिर हो, यही मेरी कामना है। गुरुवर, आपने जो कार्य दिया था वो तो मैंने पूर्ण कर लिया, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? धन्यवाद गुरुवर। गणेश तो सदा हमारी प्रतीक्षा करता है, फिर आज अचानक ऐसे क्यों चला गया? आज ये क्या हुआ गणेश को, अपनी मित्र मंडली को पीछे छोड़कर क्यों चला गया? आशा है कि गणेश किसी विशेष कार्य के लिए ही गए हों, किसी नटखट लीला के लिए नहीं, अन्यथा माता अहिल्या का विश्वास कहीं फिर से अविश्वास में ना बदल जाए। कहाँ छिपा है ये बालक, दिखाई क्यों नहीं देता? है तो इसी आश्रम में ना, तो फिर ढूंढते हैं उसे और मार देते हैं। ये गणेश तो अदृश्य हो गया है, कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ भी नहीं है तो गया कहाँ? ना ही गुरुकुल में है, ना ही पूजा स्थान में, तो कहाँ हो सकता है गणेश? अब आपकी परीक्षा का ये अंतिम किंतु सबसे महत्वपूर्ण चरण है ऋषि मुद्गल। आ,
वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ। मुझे पता था प्रभु आप मेरी सहायता हेतु अवश्य आएंगे। ऋषिवर, उन्होंने अपनी निष्ठा और भक्ति दोनों प्रमाणित तो कर दिए हैं। जैसी ममता पुत्र के लिए माँ की होती है, ठीक वैसे ही ममता एक भक्त के लिए भगवान की होती है। यही कारण है कि आप मुझे ऋषि मुद्गल की परीक्षा को समाप्त करने के लिए कहने आए हैं। ऋषिवर, मैं भक्त का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। जितना मैंने उन्हें देखा और जाना है, किसी भी अवस्था में वो अपनी भक्ति पर ही स्थिर रहेंगे। फिर आप उनकी परीक्षा कितनी ही बार क्यों ना ले लें। और सत्य तो ये भी है कि अति कैसी भी हो अच्छी नहीं होती। अति होती है तो पोषण देने वाली धूप भी पौधे को जला देती है, स्नेह से भरी ममता भी संतान को बिगाड़ देती है, सफलता देने वाला संकल्प भी असफलता की ओर ही धकेल देता है, और अति होने पर विश्वास भी भूल कर आता है। उचित है तो मुझे एक बार और उनकी परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए, ताकि मुझे भी ज्ञात हो कि मैंने अति की है या ऋषि मुद्गल पर अति हो चुकी है। क्योंकि आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी भक्ति से भटक जाएंगे। उनमें इतनी शक्ति नहीं कि वो भोजन भी तैयार कर सके। उचित है ऋषिवर, भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है, और कभी कभी भक्त की भक्ति की शक्ति भगवान की शक्ति से भी बड़ी हो जाती है। आज तो मुझे देखकर अवश्य क्रोधित होंगे, क्योंकि धैर्य की सहनशीलता के लिए एक सीमा होती है। प्रणाम ऋषिवर, आइए, मैंने आपका भोजन परोस रखा है। आइए ऋषिवर। मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, आइए और भोजन ग्रहण करिए। ऋषिवर, ऋषिवर आप संकोच क्यों कर रहे हैं? आइए विराजमान होइए और अपना प्रसाद ग्रहण करिए। भक्ति की शक्ति तो असंभव को भी संभव कर देती है। गणेश जी ने उचित ही कहा था, भक्तों की भक्ति असंभव को भी संभव कर देती है। आप सफल हुए ऋषिवर, सफल हुए। आज मैं नहीं, आप आसन ग्रहण करेंगे। आइए ऋषि। आज मैं स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? आप तो मेरे अतिथि हैं। आप भगवान के सच्चे भक्त हैं, और सच्चे भक्तों की सेवा से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप मुझे अपनी सेवा करने की अनुमति प्रदान करें। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए हैं, अतः मैं आज स्वयं अपने हाथों से आपको भोजन कराऊंगा, और जो कुछ भी शेष बच जाएगा उसे मैं स्वयं प्रसाद समझकर ग्रहण करूंगा। नहीं नहीं ऋषि, ये कदापि उचित नहीं है। आप तो स्वयं महादेव के अंश हैं, भगवान स्वरूप है ऋषि, भगवान स्वरूप। फिर तो ये सर्वथा उचित ही है। कभी कभी भक्तों की भक्ति
भगवान की शक्ति से बड़ी हो जाती है। मुद्गल ऋषि की भूख तो मिट गई, किंतु अब भूख से मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगा है। इसे शांत करने का कुछ उपाय करना होगा। हे प्रभु महागणाधिपति, गणेश की लीला को समझना उतना ही कठिन है जितना ब्रह्मांड के अनंत विस्तार को समझना। पल में बालक सा स्वभाव और पल में ऐसा ज्ञान दिखाते हैं जैसे सब कुछ उनमें ही समाया हो। हर क्षण यही चिंता सताती है कि वो फिर से कोई नटखट लीला ना रच दे। प्रभु, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है उसके लिए वो धीर और गंभीर रहे, अन्यथा संसार को सिंधु और उसके अत्याचार से मुक्ति कैसे मिलेगी? एक बार दिख जाए बस तो हम प्राण निकाल देंगे उसके, किंतु वो है कहाँ? हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरे स्वामी को गणेश में गुण ही गुण दिखाई देते हैं। उनको अपने शिष्य पर पूर्ण विश्वास है और सत्य भी है। जब से गणेश उनसे शिक्षा लेने लगे हैं तब से उनमें सुधार भी आए हैं। ये सब कुछ आपकी कृपा है। हे प्रभु, मेरा आवाहन स्वीकार कर ये भोग ग्रहण कीजिए। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम आपनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम सोमानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा। वो रहा गणेश, वो रहा। कहाँ छिपा है ये बालक? आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी शंका को बल क्यों दे रहे हैं? ये अनुचित है, आप कब समझेंगे? गणेश, रुकिए। माता, मैं क्या कर रहा हूँ? बस आपके आदेश का पालन। इसलिए आप विचार कीजिए, आप क्या कर रही हैं? सर्वप्रथम आप मुझे बुलाती हैं, फिर जो आप चाहती हैं जब मैं वो करता हूँ तो मुझे रोक देती है, मुझे डांटने लगती है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? गणेश, मैंने आपका नहीं, परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति का आवाहन किया था, इसलिए मैं आ गया। क्योंकि माता, हम दोनों तो एक ही हैं। गणेश, आप में और मेरे प्रभु श्री महागणाधिपति जी में बहुत भेद है, किंतु आपको अभी ये बात मैं नहीं आपकी माँ माता पार्वती समझाएंगी। गणेश, आप यहीं रुकिए, मैं माता पार्वती को लेकर आती हूँ, फिर देखती हूँ कि आप अपना और प्रभु श्री महागणाधिपति का एक होना कैसे प्रमाणित करते हैं। गणेश, गणेश, तुम कहाँ थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं? मित्रों, मैं तो यहीं था। ढूंढ तो हम भी तुम्हें रहे हैं कब से। तारा, ना ही तुम्हें कोई ढूंढेगा और ना ही तुम किसी को मिलोगे। क्योंकि तुम्हें मिटा जो देंगे, पर सबसे पहले त्रिलोकनाथ
सिंधु के सामने ले जाएंगे, उनके चरणों में पटकेंगे और वही तुम्हारा अंत होगा। गणेश, ये तो असुर है, भागो गणेश। नहीं, माता अहिल्या का आदेश है, इसलिए मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। भागो गणेश, भागो भागो। माता का आदेश नहीं, हमारा भय है, जिसके कारण ऐसे जड़ हो गए हो तुम बालक। चलो अब, चलो हमारे साथ। मैं अभी भी चकित हूं, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव है ऋषिवर। मैं हर 15 दिन में आकर आपका संपूर्ण भोजन ग्रहण कर जाता था, फिर भी आपकी निष्ठा, भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा और मेरे प्रति आपके सत्कार की भावना स्थिर कैसे रही? आपने अपना धैर्य क्यों नहीं खोया? और सबसे बड़ी बात, भगवान के प्रति आपका विश्वास कैसे बना रहा? ऋषिवर, आप तो सर्वज्ञानी हैं, भली भांति आपको सब कुछ ज्ञात है। विश्वास तभी विश्वास है जब वो अडिग रहे, समय के साथ जो बदल जाए वो विश्वास कहाँ? मेरा पुत्र प्रभु महागणाधिपति जी का अपमान करे? असंभव। देवी अहिल्या, गणेश के प्रति आपके अविश्वास से मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचती है, किंतु आप सभी की बात मानकर मैंने उसे उस दोष का दंड दिया जो उसने किया ही नहीं। माता, मैंने अपने नेत्र से जो देखा है उस पर अविश्वास कैसे करें? आप स्वयं चलकर देख लीजिए। उचित है, यदि आपको इसमें संतोष मिलता है तो चलिए आइए। असुरों ने तो गणेश को जकड़ लिया है। अब हम क्या करें? हम इन असुरों से लड़ नहीं सकते, हमें सहायता चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए। गणेश असुरों की जकड़ में? मेरे पुत्र को जकड़ने का अपराध किया है इन्होंने। माता, हमने गणेश को कहा था कि भाग जाओ भाग जाओ, ये बहुत भयंकर असुर है। किंतु आपका आदेश था, इसलिए वो अपने स्थान से हिला ही नहीं, वहीं बैठा रहा। माता, अब यदि आप मुझे हिलने की अनुमति दें तो मैं इनसे मुक्ति पा लूं। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता तुम्हें अनुमति देती है। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। मुझे पूरा विश्वास है प्रभु, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं, दर्शन देने आ रहे हैं। तुमासि नित्यमृतम वच्मि सत्यम वच्मि। अद्भुत, इतने शक्तिशाली भयंकर असुरों को ऐसे ही इतनी सहजता से गिरा दिया गणेश ने। मेरी बस इतनी विनती सुन लीजिए प्रभु, मुझे अपने परम ब्रह्म स्वरूप पे दर्शन देने की कृपा कीजिए। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि।
बालक, कैसी भी माया कर लो, कैसा भी रूप धर लो, किंतु आज हम तुम्हारे प्राण लेके रहेंगे और जीवित नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। आपके इस अद्भुत रूप ने मेरी सभी शंकाओं को दूर कर दिया। आप सत्य ही नहीं, आप स्वयं सत्य रूप है, आप परम ब्रह्म है। तुम जो भी हो, तुम्हारा अंत तो आज निश्चित है। हमारा अगला प्रहार तुम्हारा सर्वनाश होगा। गणाधिन पूर्व मुचार्य कर्णधिस्तदन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम्। उलझ गए ना मेरी बेड़ियों में बालक। मुझे बेड़ियों में बांध सको इतनी शक्ति नहीं है तुम में। जाओ, तुम भी जाओ मुझसे दूर। मेरा खड़क पल भर में तुम्हारे सिर को धड़ से विलख कर देगा। एक दंताय विघ्नाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जाते कहाँ हो कर्मठ, अपनी बेड़ियों का प्रयोग तो करने दो मुझे। अब जाओ यहाँ से दूर। अब ये तीनों दुष्ट उस सिंधु दुष्ट के सामने अपनी अंतिम श्वास लेंगे। मित्र गणेश की जय। मित्र गणेश की जय। मित्र गणेश की जय। गण नायक गणराज को आओ करें सब वंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथ लगावे चंदन। गणनायक गणराज को आओ करें सब वंदन। दूध दही स्नान करा के माथ लगावे चंदन। ओम गणपतये नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। हे प्रभु, हे पालनहार, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ना वो स्थान लेंगे जो आपका ना हो, ना वो भोग ग्रहण करेंगे जो आपको समर्पित ना किया गया। प्रभु, मेरे ही दृष्टि में दोष था जो मैं आपको पहचान ना सकी। रह रहकर आपके प्रति मेरा विश्वास डगमगाता रहा। मैं शंका करती रही। नहीं माता, इसमें आपका कोई दोष नहीं। आपने तो केवल एक माता का धर्म निभाया है जो सर्वथा उचित है, किंतु किसी को परखे बिना विश्वास करना तो आंख मूंद कर विश्वास करना होता है जो उचित नहीं। विश्वास में उदय है किंतु अंधविश्वास में पतन। और जो विश्वास के योग्य नहीं उस पर तो कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास का अनुपम उदाहरण तो ऋषि मुद्गल ने प्रस्तुत किया है। महर्षि दुर्वासा बार बार उनकी परीक्षा लेते रहे और ऋषिवर बार बार उसमें खरे उतरे। उन्होंने सभी कठिनाइयों में भी
अपने विश्वास को पल भर के लिए भी नहीं डिगने दिया और मेरे दर्शन के लिए अपने व्रत पर स्थिर रहे। किंतु अब आपकी परीक्षा संपन्न हुई ऋषिवर, आज आपका व्रत पूर्ण होगा। मैं आपको अपने परम ब्रह्म स्वरूप के दर्शन का आशीर्वाद देता हूँ। आपको मेरे दिव्य दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। प्रभु, आज आपने सच में अपने भक्त की भूख मिटा दी है। आपके दर्शन से मैं तृप्ति का परम आनंद ले रहा हूँ प्रभु। आपको कोटि कोटि नमन प्रभु, कोटि कोटि नमन। मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, सफल हो गया। प्रभु त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि प्रभु त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्वेदं ब्रह्मासि। ऋषि मुद्गल, आपने मेरे प्रति भक्ति का जो अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है, उससे संसार सदा सीख लेगा, क्योंकि आप मेरी लीलाओं पर आधारित पुराण की रचना करेंगे, जिसका नाम मेरे नाम पर नहीं, आपके नाम पर होगा। उसे मेरे परम भक्त के नाम से जाना जाएगा। वो मुद्गल पुराण के नाम से विख्यात होगा। कहा था ना मैंने, वो जीवित हो या मृत, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है। आज अपने भक्त के भीतर भक्ति की ऐसी ज्योत जलाई है जिसका प्रकाश समस्त संसार को प्रकाशित करेगा प्रभु। मैं धन हो गया प्रभु, धन हो गया। हे ऋषि मुद्गल, आपने तो सभी कठिन परीक्षाओं को पार किया, एक पल के लिए भी अपनी आस्था को अस्थिर नहीं होने दिया, अपनी अटूट भक्ति का प्रमाण दिया। तब आप पर मेरी कृपा कैसे ना होती? जबकि जो भूल से मेरा नाम ले लेते हैं, मैं तो उन पर भी अपनी कृपा वर्षा करता हूँ। जय श्री गणेश। गणेश, गणेश, गणेश। अब वो समय आने वाला था देवी, जब स्वयं को भगवान पुकारने वाला वो मूर्ख स्वयं भगवान के सामने आने वाला था। ये नाम क्यों उभर रहा है? मिटा दूंगा इस नाम को।
वो जीवित नहीं रहता जो मुझे चुनौती देता है। आ रहा हूँ मैं, स्वयं आ रहा हूँ तुम्हें मिटाने। न तुम रहोगे न तुम्हारा नाम, बस सिंधु का ही नाम गूंजेगा पूरे त्रिलोक में। हे त्रिलोकनाथ, हम नाग कन्याओं का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपको किसी बात की चिंता है क्या? हे प्रभु त्रिलोकनाथ, वृकासुर का प्रणाम स्वीकार करें। आप आदेश दीजिए, मैं आपकी चिंता को उसकी चिता के साथ ही भस्म कर दूंगा। महिषी आपका नमन करती है। हे सिंधुश्वर, मेरे नाग कन्या और वृकासुर के रहते स्वयं आप जाने पर विवश हो तो धिक्कार है हमें। हाँ त्रिलोकनाथ, आप एक बार नाम कह दीजिए, पता हम लगा लेंगे। और नाम और पता दोनों मिटा देंगे। गणेश, कंटक समझा था उसे, किंतु वो कटीला झाड़ निकला, मुझे चुभने का साहस कर रहा है। शतमहिषी उखाड़ देगी उस कटीले झाड़ को। हम जिसे डसते हैं वो जीवित नहीं रहते, फिर वो कंटक हो या कटीला झाड़ हो। कितना भी कटीला क्यों ना हो, मेरे पेट में आते ही अपने कंटक के साथ सूख जाएगा। तो जाओ, दिखा दो उस बालक को कि तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। हे त्रिलोकनाथ, अब आप निश्चिंत होकर विश्राम कीजिए। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। एक और सिंधु स्वयं को भगवान सिद्ध करने के लिए पाप और अधर्म कर हर संभव प्रयास कर रहा था, और दूसरी ओर जो स्वयं परम ब्रह्म के अवतार थे वो कदापि नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी मित्र साथी उन्हें भगवान जानकर मर्यादा वश उनसे दूरी बना ले। अब बचो मेरे बोछार से। प्रभु, मैं तुम सबके लिए प्रभु कब से हुआ? तुम तो मुझे गणेश ही पुकारते हो ना? वो तो हम सब भूल हो गई। हाँ, हमने आपको पहचाना जो नहीं। हमें लगा कि आप हमारे जैसे बालक हैं, हमारे मित्र हैं। किंतु आपने जिस प्रकार से उन असुरों का वध किया। हाँ, और आपने अपने जिस दिव्य रूप के दर्शन दिए उससे हम आपको पहचान गए। प्रभु क्षमा करे, प्रभु हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम अपनी सारी भूल सुधार लेंगे। हाँ मित्र, भूल तो हुई है, बहुत बड़ी भूल, मुझे मित्र से भगवान बनाने की भूल।
मुझे अपने से अलग मानने की भूल। किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं प्रभु, मैंने देखा था गुरुवर ने आपको प्रणाम किया था। गुरु माता आपको भोग चढ़ाती हैं, पूरा आश्रम आपकी पूजा करता है। मित्र मित्र होता है, मित्रता में किसी भी प्रकार के भेद के लिए कोई स्थान नहीं। एक बार किसी को मित्र बना लिया तो वो जैसा भी हो जो भी हो उसे स्वीकार करना ही सच्ची मित्रता कहलाती है। अच्छा बताओ, तुम सब मुझसे दूर हो जाओगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ, बताओ? खेलने तो हम आई हैं यहाँ तुम्हारे जीवन के साथ गणेश। सुनो, तुम्हारे लिए मैं बस एक मित्र था, हूँ और सदा रहूंगा। अब मुझे प्रभु कहने की भूल मत करना। गणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है, मित्र तो मित्र ही होते हैं। आओ खेल का आनंद लेते हैं। हाँ हाँ, डालो गणेश पर जल, डालो डालो। जिसे हम नाग कन्याएं डस लेते हैं उसका जीवन स्वयं एक खेल ही बन जाता है। कितना सुंदर है ये बालक, मनमोहक है, इसने तो मुझे मोहित ही कर दिया। मैं इसे अपना आखेट नहीं बनाऊंगी, मैं इसे अपने साथ नागलोक लेके जाऊंगी। इसे देख नागलोकवासी और बालक अपना मनोरंजन करेंगे। बंदी बना लो इसे, नागलोक ले चलो। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस योजना के बदलाव से वृकासुर और शत महिषि अवश्य ही आनंदित होंगे। योजना अनुसार नाग कन्याएं गणेश और उसके मित्रों का अंत करेंगी और हम इस आश्रम का चिन्ह भी मिटा देंगे इस धरती से। तो विलंब किस बात का है शत महिषी, तुम यहाँ की स्त्रियों का आखेट करो, मैं इन ऋषि मुनियों के अंत का आनंद लूंगा। 3 दिशाओं से इतना भयंकर आक्रमण होगा ये आश्रमवासी संभल नहीं पाएंगे और ना एक दूसरे की रक्षा कर पाएंगे और ऐसा आतंक फैलेगा जिसकी चर्चा अनंत काल तक होगी और कोई भी हमारे प्रभु त्रिलोकनाथ सिंधोश्वर के सामने सर उठाने का साहस नहीं करेगा। ये माला शीघ्र चाहिए, उन्हें शीघ्रता करनी होगी हमें। देवी अहल्या, क्या हुआ, आप अचानक शांत हो गई? मेरे आते ही आप जाने लगी थी। इधर दीजिए, बैठिए मेरे साथ। बताइए क्या बात है, मन की बात कह देने से मन का भार कम हो जाता है। जिस जीवा से मैंने अनेकों बार गणेश जी को उलाना दी, उनको लेकर अपना क्रोध व्यक्त किया, माता उसी जीवा से आपको कैसे बताओ कि मुझे उसकी कितनी ग्लानि है। जब वो कुछ अच्छा करते थे तब वो मेरे लिए हमारे गणेश बन जाते, किंतु जब उनसे कोई भूल होती थी तब वो मेरे लिए आपके गणेश हो जाते थे, जैसे मैं तो उनकी कोई हूं ही नहीं। उनके साथ अपने संबंध को नकार देती थी मैं। माता, मैंने स्वयं कहा था उनसे कि मैं उनकी माता के समान हूं, किंतु एक माता का अपने संतान के प्रति जो अटूट विश्वास होता है वो नहीं ला पाई अपने भीतर। मैं जानती थी कि वो परम ब्रह्म प्रभु श्री महागणाधिपति के अवतार है,
किंतु मैं जानते हुए भी मैंने बार बार उनके ऊपर अविश्वास किया माता। अति विश्वास करते हैं, उन्हीं से अपेक्षा भी करते हैं। गणेश के प्रति आपकी अपेक्षा उसी विश्वास का कारण है, किंतु संतान पर विश्वास मात्र से संतान में मनोबल और उत्साह का उदय होता है, और वो हमारी अपेक्षाओं पर खरे उतरने का हर संभव प्रयास करते हैं। माता, मुझसे जो भूल हुई मैं उसे सुधार रही हूँ, और माता मुझे पूर्ण विश्वास है कि गणेश जी सिंधु के आतंक का शीघ्र ही अंत कर देंगे, भले ही वो माता। माता, ये क्या हो रहा है? गुरुवर, अब जब गणेश जी हमारे पालनहार बनकर आ ही चुके हैं, तो क्या हम यज्ञ आदि आरंभ कर सकते हैं? हाँ गुरुवर, पूजा पाठ के बिना अपूर्णता का आभास होता है, और कब तक हम उस ढोंगी सिंधु के भय में रहेंगे? प्रभु की लीला में विश्वास रखिए ऋषिवर, वो अवश्य ही हमारी सभी चिंताएं दूर कर देंगे। चिंतित तो अभी सिंधु हो रहा है, और मुझे आभास है कि शीघ्र उसका अंत होने वाला है। ये भूकंपन कैसा है? ऋषियों, तुम सबको अपने मुख में लेकर के अंत कर दूंगा तुम्हारा। गुरुवर, इस संकट से हमारी रक्षा कौन करेगा? सावधान नाग, सावधान। ये तो हमें डस लेंगे। मेरी माँ ने गुड़दानी बना के रखी थी, वो मैं कैसे खाऊंगा? मैंने तो बहुत सारे लड्डू छिपा के रखे, अब तो वो चीटियां ही खाएगी। किंतु अपना विश्वास मत खोने लोगों, गणेश है ना, हम सबको कुछ नहीं होगा। माता, ये कैसे संकट है? संकट के समय जिनका विश्वास अडिग रहता है, संकट हरता उनकी रक्षा करने अवश्य आते हैं। विश्वास की ऐसी ही महिमा होती है देवी, जहां विश्वास है वहां प्रभु का वास है। संबंध चाहे भक्त का हो, मित्र का या माता पिता का, वो तभी पूर्णता पाता है जब उसका आधार विश्वास हो।